आपने पूछा है कि कोई भी गुरु, कोई भी सद्गुरु, कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति अपने कालखंड में, अपने समय में क्यों स्वीकृत नहीं होता है, क्यों उसके प्रति एक उपेक्षा का भाव लोगों में रहता है। ये मनोवैज्ञानिक संरचना है, सदा सर्वदा ऐसा होता रहा है, सभी गुरुओं के साथ ऐसा ही होगा। होता क्या है, हमारा जो अहंकार है, हमारा जो परसेप्शन है, हमारी जो तैयारी है, हमने जिस तरह से अपने जीवन को जिया है और जिन बातों को हम ये मानकर चलते हैं कि यही जीवन का अंतिम सत्य है, उन पर ही हम अवलंबित होते हैं, उन पर ही हम आश्रित होते हैं। हम कभी ये नहीं मानकर चलते कि इसके परे भी कोई सत्य हो सकता है। जैसा जीवन की कल्पना, जो जीवन का आदर्श, जो जीवन की व्यवस्था हमने सोची समझी जानी परखी जांची है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, इसके बारे में तो हम संतुष्ट ही नहीं हो पाते, इसके बारे में तो हम सुविज्ञ ही नहीं हो पाते, इसके बारे में तो हम कन्विंस ही नहीं हो पाते, हम सेटिस्फाई ही नहीं हो पाते इस भाव से। इसलिए अक्सर जब समय बीत जाता है, जब समय चला जाता है, तब आप उस सद्गुरु का मूल्यांकन करते हैं। कहते हैं ना कि कोई भी पीर अपने गांव में नहीं पूजता, उसका कारण एक यही है। ये बड़ी गहरी मनोवैज्ञानिक धारणाएं काम करती हैं। सबसे पहले जो हमारे सराउंडिंग्स में लोग हैं, हमसे जुड़े हैं, वही अस्वीकार करते हैं। वो कैसे माने कि हम ओहदे में बड़े, हम पद में बड़े, हम कद काठी में बड़े, हम सो कॉल्ड तथा कथित तौर पर हम वर्ण व्यवस्था में बड़े, हम जाति धर्म में बड़े, हम पैसे में बड़े, हम नाम में बड़े, हम चाम में बड़े, हम काम में बड़े, और इतने बड़े होते 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 परमात्मा किसी साधारण से व्यक्ति पर कैसे मुग्ध हो सकता है, कैसे प्रसन्न हो सकता है। तो याद रखिए, सबसे पहले तो वो आपको नकारेंगे, आपको अस्वीकार करेंगे, आपके प्रति उपेक्षा के भाव को रखेंगे, आपका ख्याल ही नहीं करेंगे, और फिर धीरे 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 वो सोचेंगे कि ठीक है, हमारा हमें कोई वास्ता नहीं है इस व्यक्ति से। फिर धीरे 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 वो आपके बारे में आलोचना भी करेंगे, आपकी थोड़ी बहुत बुराई भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर आप व्यक्ति हैं तो आप उन बुराइयों से प्रभावित होंगे, और अगर आप व्यक्तित्व हैं तो आप पर उन बातों का, किसी भी तरह के संदेश का, किसी भी तरह के संवाद का कोई भी फर्क कभी नहीं पड़ेगा। सभी सद्गुरुओं के साथ यही कहानी है। राम हैं, कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, नानक हैं, जीसस हैं, मोहम्मद भी, जितने भी दुनिया में व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने धर्म की अलख जगाई, अपने अपने मापदंडों के साथ, अपने अपने मायनों के साथ, अपनी अपनी ऊंचाइयों के साथ, अपने अपने विचारों और अपने अपने संकल्पों के साथ, सभी को अपने कालखंड में अस्वीकार का, अस्वीकृति का, यहाँ तक कि निरादर का भी सामना करना पड़ा। महावीर के साथ अभद्रता की गई, उनके पीछे पागल कुत्ते छोड़ दिए गए, बुद्ध के ऊपर प्राणलेवा हमले हुए, क्राइस्ट को तो आपने सूली पर ही चढ़ा दिया। सभ्य समाज, देखिए उस समय का सब सभ्य समाज था। आज हम जिस क्रॉस को अपने सीने पर लटका करके घूमते हैं पूरे श्रद्धा भाव के साथ, उस समय उसी क्रॉस पर, उसी सूली पर जीसस को लटका दिया गया। यानी कि उनकी शिक्षाएं लोगों को अप्रिय लगी, उनकी शिक्षाएं लोगों को निरर्थक लगी, उनकी शिक्षाएं खराब लगी। गुरु नानक देव जी को बड़े लंबे अरसे तक सिकंदर लोधी की कैद में रहना पड़ा, जेल में रहना पड़ा। भगवान कृष्ण जिस दंपत्ति से जन्म लेते हैं, वो दंपत्ति सालों साल, बरसों तक मानसिक दबाव में, एक मानसिक पीड़ा में, एक बहुत ही खराब परिस्थितियों में उनके माता पिता देवकी और वासुदेव जेल में रहे, और उस मन स्थिति में कृष्ण का जन्म हुआ। तो और फिर जब कृष्ण अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूते हैं, ईश्वरीय तत्व हैं वो, ईश्वर को प्रतिनिधित्व करते हैं, ईश्वर की वाणी हैं, ईश्वर की आवाज़ हैं, लेकिन साधारण लोगों को तो छोड़ दीजिए, जो संबुद्ध व्यक्ति हैं, जो विदुर हैं, जो भीष्म हैं, जो गुरु द्रोण हैं, धृतराष्ट्र राजा हैं, और बड़े बड़े सम्राट हैं, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, इनको भूल जाइए। जो साधारण लोग हैं उनको भूल जाइए। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी नहीं पहचान पाता है कि कृष्ण भगवान हो सकते हैं। कोई गीता का उपदेश महाभारत के बाद में नहीं हुआ है, महाभारत तो प्रारंभ भी नहीं हुई है, उससे पहले ही जब मोह, आपने खूब अच्छे से जानते हैं, जब मोह पैदा होता है अर्जुन को, और वो कहता है कि मुझे ऐसा राजपाट नहीं चाहिए जो मेरे रक्त संबंधियों की
लाश पर रखा गया हो, मुझे ऐसा राजपाट नहीं भोगना है जिसमें मेरे रिश्तेदारों की मृत्यु हो जाए, उनकी मृत्यु के ऊपर मुझे अपने सिंहासन के पाए नहीं रखने हैं। फिर वहाँ एक संवाद प्रारंभ होता है, इसमें गीता के 18 अध्यायों का जन्म होता है। और वो एक ऐसी वाणी है, वो एक ऐसी देशना है, वो एक ऐसी चेतना है, वो एक ऐसी शिक्षा है जो सभी तरह के धर्म, देश, काल, परिस्थिति, वर्ण, वर्ग, सभी तरह के विभेदों से परे है, सभी तरह की दूरियों को पाटती है। प्रत्येक मनुष्य पर वो देशना पूर्णतया फिट होती है। उनको भी नहीं स्वीकार किया गया, उनके समकालीन लोगों ने उनको भी नहीं माना। अगर मान लेते तो महाभारत क्यों होता? संजय तो लाइव टेलीकास्ट कर ही रहे थे, संजय तो हाथ के हाथ आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बता ही रहे थे, लिपिबद्ध सब हो ही रहा था, सारा वर्णन लिखा ही जा रहा था, लेकिन आपने अस्वीकार किया। आपने कहा कि कृष्ण, अरे ये गाय चराने वाले साधारण से व्यक्ति, इनकी बात का क्या सुनना, इनकी बात का क्या मानना। जो भी महान लोग हुए उनको आपने अपने पूर्वाग्रहों से जांचा परखा और उन्हीं पूर्वाग्रहों के आधार पर आपने अस्वीकार किया। तो इस बारे में आपने प्रश्न पूछा तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप दूसरों के मूल्यांकन से अपने जीवन का मूल्य निर्धारित ना करें। आपको भाती है ना बात, ठीक लगती है ना, किसी भी सद्गुरु की बात, कोई भी सच्ची बात, कोई भी अच्छी बात, अपना लो उसको, अपने जीवन में आत्मसात करो, अपना करके थोड़ा परीक्षण करो, थोड़ा उसको देखो क्या वो सच है, क्या वो ठीक है, क्या आपके जीवन में उस मूल्य से, उस बात से, उस विचार से कुछ शुभता का उदय होता है, कुछ अच्छाई का जन्म होता है, कुछ आपको बेहतर लगता है। लगता है तो उसके साथ हो जाओ, और लगता है कि इस बात में सत्यता नहीं है, आपके जीवन में कुछ प्रतिफलन नहीं आ रहा है, कुछ शुभता का उदय नहीं हो रहा है, कुछ श्रेष्ठता का परिष्कार नहीं हो रहा है, तो उस थॉट को, उस विचार को, उस तत्व को, उस तथ्य को वहीं त्याग दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन आप अपने मन में कभी ये विचार ना रखें कि आपके गुरु को कोई गुरु नहीं मानता, आपके शिक्षक को कोई शिक्षक नहीं मानता, आपकी अपनाई जाने वाली शिक्षा को कोई शिक्षा नहीं मानता। जिन मूल्यों को आपने अपने जीवन में उतारा है, जिन मूल्यों को आपने अपने जीवन में आत्मसात किया है, पूरी दुनिया उनको निरर्थक कहती है, कहने दीजिए। आपको भा रहा है ना, पर्याप्त है, बहुत है, ये काफ़ी है। और आप देखिएगा, ये मनोविज्ञान की एक यात्रा है, ये मन के चित्त की एक दशा है। जैसा मैंने आपको बताया कि तीन तरह की गतियों से, तीन तरह की अवस्थाओं से मनुष्य का चित्त अभिप्रेरित होता है। सबसे पहले वो सद्गुरु को नकारेंगे, फिर सद्गुरु की आलोचना शुरू करेंगे, और आप याद रखना, फिर यही वो व्यक्ति होंगे जो सद्गुरु को चाहेंगे भी, सद्गुरु की प्रशंसा भी करेंगे। ये अंतिम अवदान है, ये अंतिम अवस्था है, ये अंतिम स्टेज है। जब सब कुछ करने के बाद भी उनको लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तब फिर स्वीकृति का बोध पैदा होता है। इस स्वीकृति के बोध से कुछ सीढ़ियां और नीचे उतर करके, कभी कभी ऐसा भी होगा कि कुछ लोग जो संबुद्ध नहीं हैं, जो रहस्यदर्शी नहीं हैं, जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार अनुभूत नहीं किया है, जो ईश्वरीय ओज से अभिप्रेरित नहीं हैं, जिनके ऊपर देशना का प्रतिफलन नहीं हुआ है, जिनके ऊपर परम ऊर्जा का शक्तिपात नहीं हुआ है, जो ईश्वरीय तत्व से अभिन्न रूप से जुड़े नहीं हैं, जो कहीं ना कहीं पृथकता के बोध से घिरे हैं, लेकिन वो अपने अहंकार की तुष्टि के लिए वो लोगों को अपने आप को जताने, बताने, दिखाने, दर्शाने और सिद्ध करने के लिए कभी कभी खुद भी घोषित कर देंगे कि हम भी गुरु हैं, हम भी ये सब जानते हैं, ये सारी बातें हमें भी पता हैं, हम भी ये सारी चीज़ें जानते हैं। गुरु नानक कहते हैं ना गुरु ग्रंथ साहिब में, कि जो छोटे छोटे कीट पतंगे हैं वो भी रीस में, वो भी ईर्ष्या भाव से भर जाते हैं, और वो भी घोषणा करते हैं कि हम भी परम ऊर्जा के प्रतिनिधि हैं। तो आपने स्थिर रहना है, बहुत सारी चीज़ों को नहीं देखना है, और जो आपकी आत्मा का स्वर प्रतिबिंबित होता है, आपकी आत्मा का स्वर प्रतिध्वनित होता है, आपके अंदर से जो एक आवाज़ आती है, एक स्टैंपिंग होता है ना, हृदय से किसी चीज़ के ऊपर मोहर लगती है, वो परमात्मा की मोहर है, वो परमात्मा का सत्यापन है, वो अप्रूव्ड बाई
अलमाइटी गॉड है, उसको सुनिए, उसके साथ हो जाइए, आप जीवन में श्रेष्ठता को अंगीकार करेंगे, सर्वोच्चता को अंगीकार करेंगे, आप अपने जीवन में शुभ को अंगीकार करेंगे, संपन्नता को अंगीकार करेंगे, समृद्धि को अंगीकार करेंगे, सत्य को अंगीकार करेंगे, सत्व को अंगीकार करेंगे और अंगीकार करेंगे उस परम पिता परमात्मा को, जिसको अंगीकार करने के लिए आप मनुष्य जीवन में इस धरा पर, इस धरती पर, इस दुनिया में आपको भेजा गया है, आप आए हैं। आर्यम शरणम शुभमस्तु।